गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में जो कुछ हुआ उसके बाद इन प्राइवेट स्कूलों पर जो भरोसा अभिभावकों को था अब वो टूट चुका है। और ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आज प्राइवेट स्कूल कितने सुरक्षित हैं, क्या इन स्कूलों में सरकारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, क्या ये स्कूल नियमों के मुताबिक चल रहे हैं, ये जानने के लिए हमने इन प्राइवेट स्कूल्स का रियलिटी चेक किया। दिल थाम लीजिए, जरा संभल जाइए, क्योंकि अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं वो आपको परेशान कर सकती है, बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि आपके बच्चे की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो आप सोच तक नहीं सकते। किस तरह आपके लाडले की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी जाती है, ये खास रिपोर्ट देखिए। भगवान भरोसे है आपके लाडले की सुरक्षा, स्कूल में सुरक्षा का हाल देखिए, देखिए हैरान कर देने वाली हकीकत। हमारे ऑपरेशन स्कूल के दौरान हमारी टीम जा पहुंची राजधानी लखनऊ के स्कूलों का जायजा लेने, लेकिन जो हकीकत हमारे सामने आई वो बेहद हैरान करने वाली थी, बेहद चौंकाने वाली थी। ये हाल उस शहर के स्कूलों का है जिसे सूबे की राजधानी होने का दर्जा हासिल है, जहाँ से सूबे का पूरा निजाम चलता है, प्रदेश का हर बड़ा अधिकारी और हर बड़ा मंत्री इसी शहर में डेरा जमाए रहता है। लेकिन इस सब के बावजूद लखनऊ के स्कूलों की हालत ये है कि इनमें पढ़ रहे आपके बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। अपनी कमर में ये पिस्टल लगाए कोई और नहीं, समाचार प्लस की टीम का एक रिपोर्टर है जिसने अपनी कमर में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर लगा रखा है, लेकिन उसे कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं टोक रहा, वो बिना रोक टोक के स्कूल के अंदर घूम रहा है। आप संभल जाइए, क्योंकि ये तस्वीरें देख मुमकिन है आप थोड़े हैरान हो गए हो, आप थोड़े परेशान हो गए हो, आपका दिल अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए विचलित हो उठा हो, लेकिन आपको हकीकत से रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। यह लखनऊ का नामी और प्रतिष्ठित स्कूल न्यू स्कूल, स्कूल के प्रांगण में समाचार प्लस की टीम का एक सदस्य खुलेआम अपनी बेंच में लाइसेंसी रिवॉल्वर लगाए तकरीबन 20 मिनट तक घूमता रहा। वो स्कूल के मेन गेट से रिवॉल्वर लगाकर दाखिल हुआ और तकरीबन 20 मिनट तक स्कूल में ही इधर से उधर टहलता रहा। इस दौरान न तो उसकी गेट पर तलाशी ली गई, न ही किसी ने उसे रोका। हालत तो ये है कि गेट पर किसी भी शख्स ने उसकी रजिस्टर में एंट्री तक नहीं कराई, क्योंकि गेट पर कोई मौजूद था ही नहीं। हमारी टीम का सदस्य खुलेआम इस तमंचे के साथ स्कूल परिसर में 20 मिनट तक घूमता रहा। स्कूल के टीचरों और कर्मचारियों के बीच ये शख्स एक लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ टहलता रहा, लेकिन किसी की भी नज़र इसकी कमर में लगे इस रिवॉल्वर पर नहीं गई। ये तो हाल है स्कूल के सुरक्षा इंतजामों का। न्यू वे सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से डीजीपी ने स्कूल में किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए ये बाकायदा निर्देश दिए हैं, उसके बावजूद इन स्कूलों में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। हमारी टीम कुछ देर पहले यहाँ पे अंदर रिवॉल्वर लेके जाती है, पूरा स्कूल के अंदर कोई रोकने वाला नहीं था। जब उत्तर प्रदेश के इस तरह के हालात हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरा प्रशासन गंभीर है, लेकिन यहां पे सिर्फ गेट पे सुरक्षा के नाम पे गार्ड तैनात है, और इन मासूमों का, नौनिहालों का भविष्य पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से खतरे में है। कोई भी इस विद्यालय के अंदर रिवॉल्वर लेके, बम लेके आराम से जा सकता है, लेकिन रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्कूल है, नामी स्कूल है, और इतने पैसे अभिभावक खर्च करते हैं अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं कि जो बच्चा विद्यालय आएगा उसकी सुरक्षा की गारंटी स्कूल प्रशासन भले ही दावा करे, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारी टीम रिवॉल्वर लेके अंदर जा सकती है तो कोई आतंकवादी या दूसरे अन्य लोग बाकायदा अंदर जा सकते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में ये हालात है न्यू वे पब्लिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल के, कि ऐसे में कहीं ना कहीं जब लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके ये हालात हैं तो अन्य जनपदों के स्कूलों का क्या हाल होगा।
अब जरा इस नामी स्कूल की बद इंतजामी की एक और तस्वीर देखिए। किस तरह बच्चों को स्कूल वैन में ठूस ठूस कर भरा गया है, किस तरह स्कूल में बच्चे एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। जब हमने ड्राइवर से बात की और ये जाना कि क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, तो पता चला कि न तो इनके पास आई कार्ड है और न ही इनका पुलिस वेरिफिकेशन ही हुआ है। इस नामी स्कूल का गजब हाल है, या यूं कहें ये एक बदहाल स्कूल है। हम खड़े हैं इस समय न्यू वे सेकेंडरी स्कूल पे। ये स्कूल बहुत ही मोटी फीस लेता है, लेकिन अगर सुरक्षा के इंतजाम कहे जाएं तो वाकई वो सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं। आप देख सकते हैं बच्चे मासूम बैठे हैं, भावी भविष्य हैं यहाँ के, और किस तरह से वैन में गुंजे हुए बैठे हैं। इनको बैठने तक के लिए ये हालात हैं। किस तरह बेटा इसमें बैठ पा रहे हो आप लोग? तो दबे हुए बैठे हो, मासूम बच्चे हैं ये, दबे हुए आज बैठे हुए हैं इस वैन में। और जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण निर्देश हैं डीजीपी के, कि हम बात करेंगे वैन के चालक से, कि ये वैन के चालक से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो स्कूल वैन के जो ड्राइवर होंगे उनका बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन होगा। हम इनसे मांगते हैं ये पुलिस वेरिफिकेशन। अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है? मेरे पास हर चीज है भैया। दिखाइए पुलिस वेरिफिकेशन का, दिखाइए। बोली वेरिफिकेशन कहा जाएगा तब करेंगे ना, अभी आदेश तो स्कूल में है नहीं हमारे। अभी नहीं आया है ना? अभी नहीं है ना पुलिस वेरिफिकेशन? तो ये बात साफ हो गई कि सिर्फ और सिर्फ कागजी आदेश है, पुलिस वेरिफिकेशन इनका नहीं है। बाकी इनके पास कागजी सारा सब कुछ है ये बता रहे हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से कुछ नहीं किया गया। अपने स्तर से जरूर इनके पास लाइसेंस है, तो जाहिर सी बात है इतने बच्चों को ले जा रहे हैं इस वैन में, और इनका जो भविष्य है और जो इनकी सुरक्षा है उस पे कहीं ना कहीं जरूर एक खतरा है। मतलब साफ है कि इन स्कूलों में आपके बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। न तो इन स्कूलों में कोई आपके बच्चों को देखने वाला है और न ही उनकी सुरक्षा के ही माकूल इंतजाम है। जितने बच्चे हैं जाएं ये दिल्ली, अभी आपने जैसा देखा ये वैन में बच्चों को भरेंगे, ऐसी बस में भरते हैं, ना टाइम से आना है ना जाना है। सर एक चीज बताइए, आप बिटिया को लेके जा रहे हैं? सुरक्षा कोई नहीं है, किसी भी स्कूल में कोई सुरक्षा नहीं है, चारों तरफ यही हाल है। प्लस की वजह से ही पता चला कि इस तरह की खामियां भी इस स्कूल में है, वरना तो हम लोग ये सोचते हैं कि स्कूल है तो अच्छा पूरा इंतजाम होगा इनका, सुरक्षा के सारे इंतजाम होंगे, लेकिन आज ये पहली बार पता चल रहा है कि इस तरह के इंतजाम इनके कुछ है ही नहीं। इन स्कूलों का मकसद सिर्फ एक ही है, आपसे मोटी फीस वसूलना। तालीम देने के नाम पर ये स्कूल बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है हमारी इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है। सरकार से लेकर डीजीपी तक ने तमाम आदेश दिए हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। स्कूल वैन चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन तक नहीं कराया जा रहा है। देख रहे हैं ये न्यू वे पब्लिक स्कूल है, ये हालात हैं यहाँ के, कि सुरक्षा की व्यवस्था की जो यहाँ पे पोल खुली है वो इस तरह की है कि अंदर कोई रिवॉल्वर लेके चला जाता है, कोई बम रख के भी आ जाए, लेकिन स्कूल प्रशासन को कोई लेना देना नहीं। नाम के लिए सिर्फ एक गार्ड तैनात है, उससे भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो दिखावा के लिए वहां पे खड़ा हुआ है। कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। और अब बात सीएम के शहर गोरखपुर की, यहाँ के स्कूलों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। यहाँ भी स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ जहां यहाँ के एक नामी स्कूल कैंपस में पानी जमा मिला, तो वहीं यहाँ सुरक्षा गार्ड भी मौके पर तैनात नहीं मिला, और जो तैनात था उसके पास ड्रेस नहीं थी और ना ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था। आलम यह था कि समाचार प्लस की ओर से पूछे जा रहे सवालों का प्रबंधन ठीक ठीक और ठोस जवाब भी नहीं दे पा रहा था। गंदगी के बीच आपका मासूम लाडला, खतरों के बीच आपकी लाडली बिटिया, बिना सुरक्षा गार्ड भगवान भरोसे स्कूल, प्रदेश के नौनिहालों से जानलेवा मजाक। सीएम आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के नामी गिरामी स्कूल भी हमारी पड़ताल में फेल साबित हुए हैं। यहाँ जब समाचार प्लस की टीम पड़ताल करने पहुँची तो यहाँ के नज़ारे भी हैरान करने वाले थे। यहाँ स्कूल परिसर के भीतर पानी जमा मिला, इस पानी में मच्छर भिनभिनाते मिले, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। यहाँ के स्कूलों का ये हाल तब है जब गोरखपुर में गंदगी की वजह से ही होने वाली बीमारी से बड़ी संख्या में बच्चे मर रहे हैं। चंदाते इन स्कूलों का ध्यान सिर्फ मोटी फीस वसूलने में लगा रहता है, और जब कोई अभिभावक इस बात की शिकायत करता है तो प्रबंधन लड़ाई पर उतर आता है। विद्यालय के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, जमावड़ा लगा है, यहाँ असुविधा का।
अब जो खुलासा समाचार प्लस करने जा रहा है उसे सुनकर आप फिर हैरान हो जाएंगे। यहाँ जब हमारे रिपोर्टर पहुँचे तो गेट पर एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं मिला। अच्छी तरह से पड़ताल करने के बाद भी स्कूल कैंपस में गार्ड नहीं दिखाई दिया। वहीं जब हमारे रिपोर्टर ने स्कूल प्रबंधन से बात की तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जिसे सुनकर कोई भी अभिभावक डर जाएगा। नहीं है, बिल्कुल है, सुरक्षा कर्मी लग डायरेक्ट आई है, तो अभी स्कूल शुरू हुआ है सर, तो तुरंत अभी गया है। देखिए चेयर मिली होगी सामने कि वहाँ बैठता है एक आदमी, जरूर गेट पर आता है, वो एंट्री भी यूनिफॉर्म है बिल्कुल है। अब जिनका नहीं है वो सिलवा भी रहे हैं, फट गया है पहले से। हाँ जैसे फट गया। क्या सबका, कितने कर्मचारी आपके वहाँ काम करते हैं? लगभग शिक्षक से लेकर के, शिक्षक से ये लेकर के हमारे पास कुल 28 है जी, जिसमें 8 है हमारे ये कर्मचारी और 20 हमारे वो टीचर। क्या सबका पुलिस वेरिफिकेशन आपने कराया है? पुलिस वेरिफिकेशन तो पहले नहीं हुआ है, नहीं। अब कराया जाएगा, अब तो निर्देश आया हुआ है। हाँ, अब जो निर्देश आएगा वही पालन किया जी। पास ऑटो अधिक है? ऑटो नहीं अधिक है, ऑटो तो नहीं, मैजिक एक है, एक ऑटो है मेरे पास जी। लेकिन मानक के अनुरूप नहीं है? अब वो तो मानक के अनुरूप नहीं है जो आपका, सही है बात, ठीक है। वहीं यहाँ के स्कूलों में सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ को लेकर अभिभावकों में भी खासा रोष है। दीप में बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ वो पूछने के लिए जाते हैं तो मारपीट का माहौल बना रहता है। दीप स्कूल जो है ये पूरी गुंडाई करता है। देखिए विद्यालय में पानी भरा हुआ है, पानी निकालने की व्यवस्था कर नहीं रहा है, उसी में बच्चों को पढ़ा रहा है। गार्जियन अगर कुछ पूछते हैं तो उनसे मारपीट भी कर लेता है। जितना चाहते हैं मनमानी वसूली करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। गार्जियन जो बच्चों को भेज रहे हैं वो यह सोच के भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा शिक्षा लेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या है कि सब छोड़ दे रहे हैं। कुछ ट्यूशन के नाम पर प्रताड़ना कर रहे हैं, तो कुछ जो है और तमाम प्रकार के शुल्क उनसे ले रहे हैं। अब फीस तो उनकी इतनी मनमानी है कि जिसको एक आम आदमी जो है वह नहीं कर सकता। मासूम बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाना बेहद जरूरी है और लगातार अभियान की जरूरत है, नहीं तो ये फिर अपने पुराने ढर्रे पर चलने लगेंगे और फिर कोई मासूम प्रद्युम्न या फिर अरमान बलि चढ़ सकता है। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर, समाचार प्लस। रियान इंटरनेशनल स्कूल में हुए घटनाक्रम से देहरादून के ब्राइट लैंड स्कूल ने सबक लिया है। प्रद्युम्न की हत्या के बाद समाचार प्लस ने देहरादून के स्कूलों का रियलिटी चेक किया। यहां के स्कूलों में व्यवस्था कुछ ठीक मिली। टॉयलेट के बाहर कर्मचारियों को खड़ा किया गया है। सीसीटीवी से भी स्कूलों में हो रही हलचल पर नजर रखी जा रही है। मैं राजधानी देहरादून के ब्राइट लैंड स्कूल में खड़ा हूं और यहां की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो काफी चौबंद व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहां पर बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं और यहां के जो टीचर्स हैं, जो यहां के जो है अधिकारी है स्कूल के, वो खुद जो है बच्चों पर नजर रखते हैं जिससे कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। स्कूलों का अपना नाम है, अपनी एक पहचान है, लेकिन जो है जिस तरीके से प्रद्युम्न का एक मामला सामने आया उसके बाद जो है स्कूलों में और व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है, जिसके लिए ये कहा जा सके कि स्कूल जो है पूरी तरीके से बच्चों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। हमारे साथ स्कूल के अधिकारी भी मौजूद है। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है आपके, क्योंकि जिस तरीके का मामला जो है प्रद्युम्न का सामने आया, एक छोटे से बच्चे की हत्या हो जाती है, आप किस तरीके से जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, आप क्योंकि कर्नल रिटायर्ड भी है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ईच एंड एवरी गेट पे हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं। जब भी बच्चों का ब्रेक होता है, सिक्योरिटी एनसीओ, सिक्योरिटी जेसीओ जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, वो हर बच्चे पे निगाह रखते हैं। मैं भी हमेशा राउंड पे रहता हूँ ताकि बच्चे के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। टाइम टू टाइम हम लोग इन लोगों को टॉयलेट, अदर जितनी भी जगह हैं जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, पूरी निगाह रखते हैं। लास्ट में जब बच्चा, आखिरी बच्चा स्कूल से जाता है, तब हम लोग अपने घर को जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी पेरेंट का आने में देरी हो जाती है तो हमारे यहाँ एक टीचर डिटेल होता है, उस बच्चे को घर पे जो फोन किया जाता है, जब पेरेंट आते हैं, हमारे यहाँ रजिस्टर बना के रखा हुआ है हमने कि ये बच्चा आज स्कूल से देरी से गया है, तो पेरेंट जब आके साइन करते हैं फिर हम बच्चे को लेके जाते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना टाइट है कि मान लीजिए अगर बच्चा हमारा किसी कारण तबीयत खराब हो जाती है,
जो हमारी मेडिकल लेडी हैं वो अप्रूव करते हैं कि बच्चे को घर जाना चाहिए, तो हम घर फोन करते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चा अगर एक बार स्कूल में आ गया तो हमारे यहाँ गेट पास सिस्टम बना हुआ है। जब तक वो गेट पास पेरेंट आके साइन नहीं करेगा, अगर माता जी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, जब वो साइन करेंगे तभी गेट पास पे हमारा बच्चा स्कूल से बाहर होता है। अच्छा सर, एक चीज और कि जो जैसे फोर्थ क्लास कर्मचारी देखे जाते हैं स्कूल के अंदर आ जाते हैं, बच्चों को जो काफी परेशानियां भी होती है, तो उस रीजन से और क्या आपके यहाँ जो स्कूल बसेस हैं अगर हैं तो उनके ड्राइवर जो है खाली टाइम में ऐसा क्या रहता है, क्या करते हैं, क्या उनको स्कूल में आने की परमिशन है, क्या है? अबाउट द फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज, हमारा उनका रहने का व्यवस्था बिल्कुल अलग है। स्कूल के अंदर कोई भी फोर्थ क्लास कर्मचारी नहीं रहता है, एक्सेप्ट जो ये हमारे वैन ड्राइवर्स वगैरह हैं, ये गाड़ियां अंदर पार्क करते हैं, लेकिन गाड़ी पार्क करने के बाद इनको सबको हम गेट से बाहर रख देते हैं, गेट लॉक हो जाते हैं। जब स्कूल फिर दोबारा 12:30 बजे 1 बजे खुलता है, फिर ये वैन ड्राइवर्स वगैरह आते हैं। बच्चों का इस समय लंच टाइम चल रहा है और आप, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं कि बच्चों के लिए पानी की किस तरीके की व्यवस्था है। बच्चे हाथ धोएंगे तो बाकायदा इसमें जो है लिक्विड हैंड वॉश रखा गया है, यहाँ बच्चे हाथ धो रहे हैं, जिसके बाद जो है बच्चे खाना खा सकेंगे। अब हम दिखाएंगे कि जो है स्कूल के टॉयलेट किस तरीके के हैं, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है। यहाँ पर बाकायदा देखो छोटे बच्चों के जो टॉयलेट है उसके बाहर जो है एक महिला कर्मचारी को खड़ा किया गया है, जिससे जो है वो महिला कर्मचारी जो है उन बच्चों का ध्यान रख सके कि कितने बच्चे टॉयलेट में जा रहे हैं, उसके बाद जो है टाइम से वो वापस आ सके, उसके बाद जो है बच्चों के हाथ धुलाए जा सके, जिससे जो है बच्चों को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। जो मैं ब्राइटलैंड स्कूल में जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पर जो है किसी भी फोर्थ क्लास के कर्मचारी को अंदर आने की परमिशन नहीं है, ये अलग से जो है बाहर, चाहे इसमें उनका फुलवारी हो या तमाम और भी सुरक्षा कर्मी हो, उनको जो है अंदर आने की परमिशन नहीं है। यहाँ पर जो है गेट बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है वो अंदर नहीं आ सकते, और यहाँ तक कि जो है खुद स्कूल के जो है लोगों की जो है बड़े अधिकारी है उनकी नज़र इन पर रहती है। सर, यहाँ पर जो है फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को अगर अंदर आना हो तो क्या वो आपसे परमिशन देते हैं, क्या कोई कार्ड साइन होता है, कोई पर्ची साइन होती है, क्या होता है? जैसे किसी भी, पहली बात तो जब स्कूल चल रहा है कोई भी फोर्थ क्लास एम्प्लॉय स्कूल के अंदर प्रीमिसेस में नहीं आ सकता। जैसा कि आपने देखा ये पूरा इलाका जो इधर है ये क्लास फोर एम्प्लॉयज का है, और माली हर जना आदमी उधर ही काम करता है। जब स्कूल चल रहा है तब किसी को भी इधर आने की इजाजत नहीं है। अगर मान लीजिए कारणवश, किसी कारणवश अगर एक माली भी आना चाहता है कोई गमले को हटाने के लिए, पहले मेरे से परमिशन लेता है कि सर क्या मैं स्कूल प्रीमिसेस के अंदर आ सकता हूँ, तब उसके बाद वो आता है और फिर काम करने के बाद मुझे रिपोर्ट देता है, सर मेरा काम हो गया मैं वापस जा रहा हूं। किसी भी कर्मचारी को अंदर आने की इजाजत नहीं है, किसी भी वैन ड्राइवर को अंदर आने की इजाजत नहीं है। खाली स्कूल जब चल रहा है, पूरा स्कूल मैनेजमेंट, जो टीचर्स हैं, हम कर्मचारी, जो स्टाफ एडम ड्यूटी वाले हैं, वही अंदर रहते हैं।